से उठाया था। यहाँ पर मैं गई, डेस्कटॉप पर मैंने कर दिया सेव, बॉडी के अंदर गई, हेडर का टैग HTML5 का अपना है, एक है सेक्शन का टैग, ये भी HTML5 का अपना है। यहाँ एपटेक में जब बूटस्ट्रैप का सेमिनार हुआ था तुम लोगों ने क्लास एक बार तो अलग ही पहली क्लास ले ली। इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, इसके अंदर भी कंटेनर ले रही हूँ सर। एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर डिव को हम क्लास दे देते हैं यहाँ पर रॉ, और डिव कर देते हैं बंद। इसके अंदर एक और डिव लेते हैं, इसके अंदर एक और क्लास बनाते हैं, 3 कर दिया। इस क्लास को मैं कर देती हूँ कॉपी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 6 कर दिया। अब इनिशियली मुझे ये चेक करना है कि मेरा सही लगा या नहीं, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर गई, मैंने इसको सबको मैं यहाँ पर दे रही हूँ क्लास इक्वल टू सब का अपना अपना एरिया बना दिया, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर मैंने मतलब आसान तो ताकि आपको एक टैग है वो याद होता हुआ चले, ठीक है। मैंने इसके लिए सारे काम ही किए। अब यहाँ पर क्या है, हेडर की मैंने एक अलग दुनिया बना दी, जितने भी मेन्यू है वो हेडर के अंदर आएंगे, नेविगेशन वगैरह। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कोई भी मुझे एडवर्टीजमेंट डालनी है वो यहाँ पे डालनी है, कोई भी मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट एरिया डालना है वो यहाँ डालना है, यानी मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कंटेंट एरिया। अगर मुझे इनिशियली चेक करना है कि भाई ये सही लगा है या नहीं, तो बेटा सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर दूँगी यहाँ पर, ये चीज़ मैं सब पे कॉपी करके लेके जाऊँगी। क्या वो क्या क्लोज नहीं हुआ? वेट डाल देती हूँ इस वक्त इसकी 200। हाँ हो गई भी, अभी इनिशियली हम इसके ग्रिड चेक करा रही हूँ, फिर मैं इसको इसके कॉलम को छोटा करके भी चेक करेंगे। और यहाँ पर सब में एक ही जैसे दे देती हूँ, क्या मतलब मैसेज भेजना तो सिखाया है। कुछ मसला है आप छोटा करूंगी तो बेटा ऑटोमेटिक ये रिसाइज हो जाता है, यानी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल में वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल में चला जाता है, ठीक है। ये आपके पास कुछ बूटस्ट्रैप के अपने फीचर्स हैं, यानी सबका अपना एक कंटेनर कंटेंट एरिया। अगर आपने इनिशियली चेक करना है कि बेटा ये लग कर आया है या नहीं आया, तो बेटा आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को करके चेक कर सकते हो। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, आपने यहाँ पर सारे काम, क्योंकि यहाँ पर सारे काम आपने इजीली यहाँ पर सेट किए हुए, तो बेटा आपके पास ये उठकर आ जाएगा। इसी के अंदर बेटा हम एक काम करते हैं, पहले काम करो तुम लोग सारे लोग W3 स्कूल से ये लिंक लगाओ और बेटा ये कंटेंट एरिया बना लो, ताकि बेटा और यहाँ पर भी अपनी किए। W3 स्कूल से आप सिर्फ बेसिक सीख सकते हो, आप एडवांस नहीं सीख सकते। मैं यहाँ पर डायरेक्ट नेव बार पे आई, तो देखो उन्होंने नेविगेशन की कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, वेबसाइट यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का है, कोडिंग पे हम मूव ऑन नहीं करते। फिर यहाँ पर ये
यहाँ पर ये सारी है, ये क्या है, इन्वर्टेड कहला रही है। इन्वर्टेड को उन्होंने यहाँ पर क्या किया, नेवर इन्वर्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का खुद ब खुद बन के आएगा। अगर मैं यहाँ पर कह रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो बेटा उसकी तो चलो अलग है, हम ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरफ अभी नहीं जाते। अगर आपको लेफ्ट पे भी चाहिए, राइट पे भी चाहिए, तो बेटा कुछ अलग है, ये वाला आइकन कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। सारे इसके अपने बिल्ट इन है, ये आता हॉवर पे ही है, यहाँ पर इस पे जाओगे तो बेटा खुद ब खुद खुलता है, बटन पे आएगा ये खुद। लोकेशन के अंदर सीखेंगे पीएसपी के साथ। बटन चाहिए तो बटन की शेप कुछ इस तरीके की है, फॉर्म चाहिए तो कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट चाहिए तो बेटा कुछ इस तरीके से आएगा। उन्होंने कुछ आपको पिक्चर्स दी हुई हैं जो कि बेटा आपके बहुत काम की हैं। इसमें बेटा ये वाला बिल्कुल डिफॉल्ट जो आपके पास आता है, वो इनिशियली आपके पास ये वाला आता है। इसमें क्या है, वेबसाइट का नेम, 1 2 3 आपके पास पेजेस आ गए। मैं आपको बेटा ये वाला पढ़ाऊंगी, नेवर इन्वर्टेड। इसके लिए बेटा मुझे कौन सी क्लास चाहिए, इन्होंने जो बताई नेवर इन्वर्स की चाहिए, ठीक है। अगर आपने बेसिकली यहाँ पर बूट स्ट्रैप देखना है, या मैं आपसे कहूँगी कि चलो भाई आज मुझे आयोनिक पढ़ना है, मुझे आयोनिक पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आयोनिक 2 करके मैंने सर्च किया, तो बेटा आयोनिक 2 की अपनी वेबसाइट में सबसे पहले सर्च करती हूँ कि बेटा इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने इनिशियली सारे फीचर्स दिए हुए होते हैं कि कौन सा यहाँ पर है, यहाँ पर आइकन्स, यहाँ पर जितने कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर क्या कुछ दिया हुआ है, वो इनिशियली आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं कि भाई ताकि यूज़र सीख सके। उसे तो नहीं पता ना, अगर आपने यहाँ पर ये सीखना भी है तो बेटा आप ये वाली वेबसाइट पर जाओगे, इनकी अपनी ही आयोनिक की आपको A to Z दे देंगे यहाँ पर कि बेटा यहाँ पर क्या। इसी तरह बेटा बूट स्ट्रैप की अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। बूट स्ट्रैप स्टूडियो किसी ने यूज़ किया है, में भी आया तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मुझे एक स्टूडेंट ने दिखाया था कि भी आपने ये देखा, बहुत अच्छी चीज है ये भी, ये पूरा ये बूटस्ट्रैप स्टूडियो है। करेंगे आपको पूरा बूटस्ट्रैप सब कुछ लग के आ जाएगा, मतलब आप ये भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ड्रैग एंड ड्रॉप वाले हजरात के लिए मैं बता रही हूँ, बेटा मेहमान बेसिकली आपको मसले चल रहे थे, आप इसको यूज करो, 10 चीजें नई सीखोगे बेटा। बूट ये आज उन्हें सारे फीचर्स के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस करा दिया है, ठीक है। तो बेटा मैं ये वाली क्लास को यहाँ पर मैंने कॉल किया है, मैं भी छोटा सा ही बनाया था, अभी कंप्लीट बना रही हूँ, तुम लोगों के सामने थे, तुम लोग काम कर रहे थे, मैंने भी ये बनाया है। बेटा मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने कहा नेव बार मुझे चाहिए, ठीक है, इसकी अपनी CSS है। नेव बार का स्टाइल कौन सा चाहिए, नेव बार इनवर्स। यहाँ बेटा दो तरह के कंटेनर है, मैं यहाँ पर वन बाय वन लगा कर नहीं दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर करके यहाँ पर नेविगेशन की दिखा रही हूँ कि नेवबार कंटेनर का यहाँ पर है नहीं है। डायरेक्टली बताए तो बेटा कंटेनर भी यहाँ पर दो तरीके के हैं, एक आपके पास कंटेनर है और एक आपके पास कंटेनर फ्लूइड है, जो कि यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर आएगा। दो तरह से आप कंटेनर लगा सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर तुम लोगों को तो पूरा ही बताना पड़ेगा। देव यहाँ पर कर लेते हैं क्लास इक्वल टू कंटेनर, ठीक है, और एक जगह करते हैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर दे देती हूँ अच्छा भाई एक और काम करते हैं, ये आई एम योर बॉस।
जी भाई मुझे दोनों में फर्क चाहिए, जरा स्क्रीन पर दोनों का फर्क नजर आएगा। जी भाई हम जो दोनों में क्या फर्क है? छोटा डब्बा है बड़ा डब्बा किससे? ये मारी हमसे तो पूछा ही। हां ठीक है, हमसे पूछो ही नहीं। हम फिल्यूड और कंटेनर का फर्क नजर आ रहा है बेटा? कंटेनर के कंटेनर फिल्यूड पूरा लेकर आएगा, कंटेनर स्पेसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेक करेगा। बेटा मैं आपको ये डिफरेंस बता रही हूँ, जब भी तो उसको यूज करके बताऊंगी ना। मेरा ख्याल से बेटा थोड़ा सा पहले W3 स्कूट पढ़ लेना चाहिए तुम लोगों को। पूरा तो देखो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, तो थोड़ा सा मुझे ये पूरा चाहिए, मुझे आधा नहीं चाहिए। तो बेटा इसी के लिए हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पर लगाया कंटेनर फ्लूइड। ये वाली क्लास मैंने क्यों उठाई बेटा? मेन्यू के लिए कि मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए। यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड क्या है मैं दिखा चुकी हूँ लगाकर, ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे करना है, इनिशियली मैं रन कर रही हूँ तो बेटा मेरे पास ब्लैक वाली स्क्रीन आ गई। यहाँ पे तो और कुछ भी नहीं आया हुआ, अंदर है ये सेक्शन के अंदर है, जबकि मैंने तो इतना सारा कोड और भी लिखा हुआ है। इसे मैं क्या करती हूँ, अब भी कुछ नहीं हुआ, वो कोड बेकार था क्या? बेटा अब भी मैंने कहा बेटा कोड किसका है फिर मैं समझाती हूँ। बेटा जब मैं स्मॉल करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास एक बटन बनकर आता है, ठीक है। यानी अपने मेन्यूज को मैं छोटा यहाँ पर करूंगी तो बेटा यहाँ पर खुल कर आएगा वो, ठीक है। जो भी मेरे यहाँ पर मेन्यूज होंगे इसकी कोडिंग हम यहाँ पर कैसे करेंगे, इसके लिए बेटा इनिशियली मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर ये बेटा हमारे पास टैग है जो इनिशियली यहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है। यानी UTF-8 ये आपके पास क्या है, आपके पास ऑल स्क्रीन्स के लिए लगा हुआ होता है यहाँ पर। और बेटा एक व्यू पोर्ट का होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। वी लिखकर व्यू पोर्ट यानी मेटा के टैग के अंदर आप दो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एक आपके पास व्यू पोर्ट होता है और एक बेटा होता है मेटा का टैग। व्यू पोर्ट का टैग किसके लिए होता है बेटा? मोबाइल के लिए होता है। और ये बेटा ऑल स्क्रीन्स के लिए होता है, मतलब ये वो लाइब्रेरीज हैं मेटा के टैग के अंदर जो आपको सारी चीज़ों को गेट करके लेके आती है। क्योंकि हम लोग इसमें तकलीफ यूँ नहीं करते क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है, ये यूजलेस नहीं होता। हमने यहाँ पर गए, यहाँ पर भी ज़रूर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर हम लोग गए बेटा। मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया ये वाली नेविगेशन के अंदर, बेटा मैंने नेविगेशन समझा दी है तो मेरे पास नेविगेशन आ रही है कम्प्लीट। यहाँ पर मैंने क्या किया, डिव बनाई, डिव के अंदर क्लास इक्वल टू नेविगेशन हेडर, ठीक है, ताकि मेरे पास टॉपर है, ये भी इसकी बिल्ट इन है। इसके अंदर मैंने बेटा इनिशियली बस समझ लो अभी एक बटन बनाया, इसके अलावा वाला चीज़ों का भी छोड़ दो, तुम लोग सिर्फ एक बटन बनाओ, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। इसके अंदर बेटा एक स्पैन का टैग है, जितनी बार भी ये कॉपी करोगे उतनी नंबर ऑफ लाइन्स, तीन बार बनाया था तो तीन बार आ गई हैं, पाँच बार बनाऊंगी तो उतना ज़्यादा ये वाइडर आपके पास होता जाएगा। किसके लिए? एक आइकन, ये आइकन है और देखो जब मैं इस पर ओवर लेके जा रही हूँ तो देखो एक बटन की तरह है, ताकि इनिशियली ये तो मैंने आप पर इसको स्टाइल दे दिया, स्पेन